साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव आप सभी भाई बहनों के बीच में। साथियों, मैं आप सभी भाई बहनों से एक बार नहीं कई बार इस वीडियो के माध्यम से यह निवेदन किया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा यह उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा 125 2018 जो कराई गई, उसके खिलाफ हमारे नेतृत्व में लड़ाई आज भी जारी है। साथियों, हमने कई बार आप लोगों से यह निवेदन किया कि आप लोग जैसा आप सहयोग करेंगे उसी सहयोग के हिसाब से हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए लड़ाई लड़ेंगे। मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में लगभग 1.25 लाख भाई बहन ऐसे होंगे जो 1-2 नंबर से फेल हो रहे हैं। एक बार आप सपोज करिए, आप पास हैं लेकिन आपको जानबूझ करके फेल किया जा रहा है, इसके बाद भी हमारी आपकी आंख नहीं खुल रही है। आपके अंदर सोए हुए पुरुषार्थ को जगाने के लिए हमने कई बार वीडियो बना करके आप सभी भाई बहनों के बीच में YouTube चैनल के माध्यम से भेजा जा रहा है। साथियों, एक चीज और बताना चाहता हूं कि आप दिन रात पढ़ करके आंखें फोड़ फोड़ करके उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा 125 में सम्मिलित होते हैं और इसके बाद आपके सही सवाल को PNP द्वारा जब गलत किया जाता है और उसकी आवाज अगर कोई उठाता है, लोग जब उसको सहयोग नहीं करते हैं तो कितना कष्ट होता है। यहां तक कि जो क्वेश्चन हमने हाई कोर्ट में उठाए थे हिमांशु गंगवार के माध्यम से, उस कॉमन नंबर में कुछ भाई बहन पास हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश में इनकी तादाद लगभग 15 से 20 से 25 हजार है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो 8 क्वेश्चन हमने इस बार स्पेशल बेंच में ले जाने का काम किया है, उस 8 क्वेश्चन में मुझे जहां तक पूरा विश्वास है, उत्तर प्रदेश में जो 2 या 3 नंबर से हमारे भाई बहन फेल हो रहे हैं, शिक्षा मित्र फेल हो रहे हैं, पूरे दावे के साथ चैलेंज के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 2-3 नंबर आपको मिलेंगे, आप पास होंगे और इसमें कितने भाई बहन को नौकरी भी मिलेगी। इसके लिए साथियों, स्पेशल बेंच में हमने सीमांत अधिवक्ता जी के माध्यम से सीनियर एडवोकेट अशोक खरे जी का नाम लिया था अपनी हियरिंग करवाने के लिए, जिनकी फीस 1.25 लाख रुपए थी, लेकिन आज 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, अब तक की जो टोटल फीस आई है वो 70,000 कुछ रुपए है, जिसमें से 45 से 50 के बीच में अधिवक्ता सीमांत जी की फीस है, बाकी 20 या 25 हजार रुपए बच रहा है। वह 20 या 25 हजार रुपए में आप सपोज करिए, क्या हम अशोक खरे जी को खड़ा कर सकते हैं? क्योंकि इस बार अगर फेल हुए तो मुझे ये नहीं लगता है कि आगे हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ सके। प्रयास इतना करिए कि हम हाई कोर्ट से ही जीत जाएं, सुप्रीम कोर्ट न जाना पड़े। इसके लिए आप सभी भाई बहनों से निवेदन करते हुए एक बार पुनः 31/12/2018 को चंद्रशेखर आजाद पार्क में ढेर सारे मुद्दों पर एक आवश्यक बैठक बुलाई जा रही है और उस बैठक में जिन भाई बहनों को सहयोग करना है उनसे मेरा निवेदन है कि वो आए और चंद्रशेखर आजाद पार्क में अपनी लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी की भागीदारिता निभाएं। धन्यवाद।